गोरखपुर में 24 जनवरी से 26 जनवरी तक विकास भवन में उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया है कि गोरखपुर के विकास भवन में 24 से 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसको देखते हुए विकास भवन में विभिन्न विभागों के अलग अलग स्टॉल लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर कृषि विभाग के स्टॉल, खेल विभाग, सेवा योजना विभाग के स्टॉल सहित अन्य विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। इस वर्ष का जो उत्तर प्रदेश की थीम है वह निवेश व रोजगार है। उन्होंने बताया कि खेल विभाग के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालय में रंगोली व भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी और लोगों को उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में अवगत कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन गोरखपुर में 24 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टॉल लगाए जा रहे हैं, विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। कृषि विभाग का स्टॉल लगाया जाएगा, इसके अलावा खेल विभाग की तरफ से भी स्टॉल लगाए जाएंगे। पंचायती राज विभाग, NRLM के द्वारा, मनरेगा के द्वारा, साथ ही चूंकि इस बार उत्तर प्रदेश दिवस का जो थीम है वो निवेश एवं रोजगार है, इसके सेवा आयोजन विभाग के द्वारा भी स्टॉल लगाया जाएगा और खेल विभाग के द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। और साथ ही साथ जो ग्राम पंचायतें हैं, जो स्कूल जो हैं, जो विभिन्न ग्राम पंचायतों में, शहरों में जो विद्यालय या महाविद्यालय हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की रंगोली का आयोजन किया जाएगा, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा तथा लोगों को अवगत कराया जाएगा उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में। तो ये सारी मुख्य गतिविधियाँ जो हैं इस बार 24 जनवरी से 26 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश दिवस में आयोजित की जाएंगी। सर, जो बच्चे इसमें प्रतिभाग उनको सम्मानित किया जाएगा? हाँ, अगर कोई बच्चे जो टैलेंट हंट टाइप के प्रतियोगिताएं होंगे, भाषण प्रतियोगिता, इस तरह के रंगोली में जो भी बच्चे अच्छा मतलब रैंक लाएंगे, जो कि अच्छा करेंगे, उन सबों को विभाग की तरफ से सम्मानित भी कराया जाएगा।